छपरा के बनियापुर थाना क्षेत्र के पिठोरी नंदलाल गांव में बेकाबू भीड़ ने एक बार फिर कानून हाथ में ले लिया और तीनों युवकों को पीट पीट कर मार डाला। आरोप है कि वो मवेशी चोरी करके पिकअप में ले जा रहे थे, इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। पिटाई से दो युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह गंभीर चोट सामने आई है। मृतक पड़ोस के गांव के रहने वाले थे। परिजनों का आरोप है कि तीनों युवक चोर नहीं थे, बल्कि उन्हें साजिश के तहत मारा गया है। कुछ नहीं हुआ था, अपना बोलेरो पिकअप एक पुरानी रखे हुए है, लेकर के कहीं भाड़ा में जा रहे थे सुबह 5 बजे। इना उस गांव में जब पहुंचे हैं पिठौरी नंदलाल टोला, तो लोगों ने हल्ला कर करके चोर है चोर है पकड़ लिया है, मारने पीटने लगा। पुलिस का भी रोल है इसमें, पुलिस का ही रोल है कि अगर समय रहते पहुंच जाता तो ऐसी घटना नहीं होती। किसी को भी कानून को हाथ में लेने नहीं देंगे। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार कानून का राज स्थापित किए हुई है, और जो लोग इस तरह की हरकत में शामिल हैं उन पर कार्रवाई होगी, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले करना चाहिए, लेकिन उसको मार देना ये एकदम गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है, वहीं मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विपक्ष ने इस पूरी घटना के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कहा अपराधियों पर से पुलिस का इकबाल मिट गया है, बिहार में कानून का राज खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों होता है ना, जब सरकार मिसिंग हो जाती है, शून्य सरकार कहीं नहीं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। ये छपरा की ये घटना ये साफ तौर पर आपको बताती है कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाएं तारतार हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी स्वयं ही हाथ जोड़ के कहते हैं कि फलाने महीने में जब अपराधियों के सामने इस तरह से उप मुख्यमंत्री बोलेंगे तो मनोबल कहां जाएगा, पॉलिटिकल विल कहां से आएगी। सुप्रीम कोर्ट भी, प्रधानमंत्री भी और जनता दल यू भी इन घटनाओं पर पहले ही अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुका है। सारण की इस घटना ने हमें भी चिंतित किया है, दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिहार में आमतौर पर इस तरह घटनाएं नहीं होती हैं, वहां कोई सांप्रदायिक तनाव भी नहीं है, फिर भी हम संवेदनशील सरकार चलाते हैं, हम दोषियों को सख्त सजा देंगे। बिहार ही नहीं, देश के कई हिस्सों से रह रहकर इस तरह की खबरें आती रहती हैं। कानून व्यवस्था पर भीड़ तंत्र इस तरह से हावी हो चुका है कि लगता है जैसे सरकारी व्यवस्था ठप हो गई है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं से न सिर्फ मानवता शर्मसार होती है, बल्कि खुद को सभ्य समाज का कहने का अधिकार भी छिन जाता है। अपराधी का अपराध चाहे जैसा हो, उसे सजा देने का अधिकार सिर्फ कानून का है। ब्यूरो रिपोर्ट।